लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव कोलकाता और मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। रविवार की सुबह 3 बजे हज यात्रा से लौटते वक्त एक हज यात्रियों से भरी हुई बस अचानक रास्ते पर पलट गई। इस घटना की सूचना मिलने के बाद राज्य के शहरी व विकास मंत्री फिरहाद हकीम खुद मौके पर पहुंचे और सभी यात्रियों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। इस दौरान मंत्री घटनास्थल पर मौजूद रहे और अपनी देखरेख में सभी यात्रियों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था भी की। कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट के पास रविवार की सुबह करीब 3 बजे हुई एक दुर्घटना में करीब 30 से ज्यादा तीर्थ यात्री बुरी तरह घायल हो गए। जानकारी के अनुसार तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही एक मेटाडोर अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना के बाद वहां से गुजर रहे राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम ने अपने काफिले को वहां रोकते हुए घायलों की मदद की। उन्होंने दूसरे वाहनों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। यही नहीं, खुद भी घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि हज यात्रियों के स्वागत के लिए मैं दमदम एयरपोर्ट गया हुआ था और वहां से वापसी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त लोग मुझे दिखे। उन्होंने कहा कि माँ माटी मानुष की सरकार के आदर्शों के अनुसार ही मैंने इन लोगों की मदद कर अस्पताल पहुंचाया। इस दुर्घटना में घायल हुए सभी लोग सुरक्षित बताए गए हैं। घायल यात्रियों ने मंत्री का दिल से धन्यवाद जताया। পবিত্র হজ করার পর সেই হাজিরা সব ফেরত আসছেন। আমরা তাদের সম্বর্ধনা জানানোর জন্য এয়ারপোর্টে আছি এবং সব ধর্মের মানুষ, অল ফেথের সব ধর্মের মানুষ, শিয়া সুন্নি বৌদ্ধ খ্রিশ্চান হিন্দু শিখ সব ধর্মের মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। আমার সাথে দুজন এমপি আছেন, ইমরান সাহেব আছেন, আমাদের নাদিমুল হক সাহেব আছেন, উনি চেয়ারম্যান, ফরাদ ভাই আমাদের জেলা পরিষদের আছে, সব আধিকারিকরা রয়েছেন, সালিম সাহেব রয়েছেন, সবাই আমরা তাদের সম্বর্ধনা জানানোর জন্য আছি। আজকে আমাদের ভীষণ আনন্দের দিন, আমাদের ঘরের ছেলে যারা হজ করতে গেছিল তারা আবার আমাদের ঘরে ফিরে এলো, এই জন্যে তাদের কাছে সম্বর্ধনা জানানো এবং একসাথে তাদের 40 দিন তাদের ওই হজের সেই শুভ এটা বেরোয় সেটাকে আলিঙ্গন করে তাদের কাছ থেকে নিজেরাও পুণ্যের ভাগিদারি হওয়ার জন্য আমরা সব এখানে দাঁড়িয়ে। কলকাতা কে জোকা কে এক অস্পতাল মে সিসিইউ কা উদ্ঘাটন কিয়া গয়া। আপকো বতা দে কি ইসসে পহলে অস্পতাল মে সিসিইউ কি ব্যবস্থা নহীঁ থি। আব ইস ইলাকে কে লোক इस अस्पताल में जाने के बाद सीसीयू की व्यवस्था का लाभ उठा पाएंगे। जोका स्थित भारत सेवा श्रम संघ अस्पताल में गरीब व असहाय रोगियों के लिए क्रिटिकल केयर यूनिट खोली जाएगी। इस अस्पताल में गत कई वर्षों से चिकित्सा परिसेवा चालू है, अब यहां पर 28 बेडों वाली क्रिटिकल केयर यूनिट भी खोली जा रही है। इसका उद्घाटन आज यानी रविवार को किया गया। यह जानकारी बालीगंज भारत सेवाश्रम संघ के कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुख्य सचिव विश्वात्मानंद महाराज ने दी। इस यूनिट का उद्घाटन कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य ने किया। अस्पताल के प्रधान स्वामी भ्रमात्मानंद महाराज ने कहा कि क्रिटिकल केयर यूनिट की सेवा बहुत कम खर्च में दी जाएगी। हमारा जोका जहाँ अस्पताल आछे ओखाने 28 बेडेड नतून आईसीयू यूनिट আরম্ভ করতে চলেছি। মাননীয় চিফ জাস্টিস মাননীয় জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য মহাশয় এটাকে উদ্বোধন করছেন এবং আমরা এই এটা স্পেশালি গরিব মানুষদের জন্য, যারা উইকার সেকশন অফ সোসাইটি তাদের জন্য এটা আমরা 28 বেডেড আইসিইউ ইউনিট ভেরি লো কস্ট 1800 টাকা পার ডে। রবিবার কি সুবাহ 8:20 পর কলকাতা হওয়াই আড্ডে পর ফ্লাই ইমিরেটস কি উড়ান সে ईस्ट बंगाल के स्पेनिश कोच अलेक्जेंड्रा मेमेंडिस कोलकाता पहुंचे। आपको बता दें कि कोलकाता के सॉल्ट लेक में स्थित युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के बीच आज एक डार्बी मैच खेला जाएगा। इसी के तहत इस मैच को देखते हुए स्पेनिश कोच आज कोलकाता पहुंचे हैं। रविवार सुबह 8:20 पर इस बंगाल के नव नियुक्त स्पेनिश कोच अलेक्जेंड्रा मेमेंडिस फ्लाई एमिरेट्स विमान द्वारा कोलकाता पहुंचे। अलेक्जेंड्रा आई लीग के मोहन बगान व ईस्ट बंगाल के बीच हुए फुटबॉल मैच को देखने के लिए युवा भारती क्रीड़ांगन में पहुंचे थे। उनका कोलकाता आने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि वह टीम को प्रोत्साहित कर सके, वह जीत दिलाने में उनके हर प्रकार से मदद कर सके। आइए देख लेते हैं पश्चिम बंगाल से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें।
मालदा जिले में पति को जब शराब पीने के लिए पत्नी ने पैसे नहीं दिए तो पति ने कीटनाशक पिलाकर पत्नी की हत्या कर दी। यह घटना मालदा के गाजोल थाने के बागदीघी गांव में घटी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मृतका की पहचान 28 वर्षीय सुखी घोष के रूप में हुई है। शनिवार की रात को सुखी के पति ने पहले तो शराब के लिए उससे पैसे मांगे। जब सुखी ने पैसे नहीं दिए तो उसके पति ने उसे मारना शुरू किया और बाद में कीटनाशक पिला दिया। इस घटना के बाद सुखी के ससुराल वाले फरार हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने सुखी को मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां रविवार की सुबह सुखी की मौत हो गई। मुर्शिदाबाद जिले के रानी तल्ला थाना अंतर्गत अलाईपुर इलाके में अंबिया खातून नामक एक स्कूल की छात्रा ने अश्लील तस्वीरें सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट होने के बाद शर्मिंदगी में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय सूत्रों के अनुसार अंबिया खातून रानी तल्ला में स्थित आखेगंज उच्च विद्यालय में छात्रा थी, जो कि इस वर्ष 12वीं की परीक्षा देने वाली थी। पास ही के हसनापुर इलाके रहने वाला सुमन शेख भी अंबिया के साथ ही पढ़ता था और वह अंबिया का बहुत अच्छा दोस्त था। पिछले 30 अगस्त को सुमन ने अपने ही अंबिया की कुछ अश्लील व आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाल दी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार सोशल नेटवर्किंग साइट पर अगर कुछ भी पोस्ट किया जाए तो उसे लोगों तक फैलने में देर नहीं लगती। इन तस्वीरों को देखकर अंबिया की तस्वीरें भी इसी तरह से वायरल हो गई। उन तस्वीरों को देखकर अंबिया की माँ अंबिया को भला बुरा कहने लगी। अंबिया के पिता ने स्कूल में जाकर इस विषय में जानकारी जुटाई। इसी बीच घर में किसी के न रहने पर अकेले में अंबिया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अंबिया के परिजनों ने इस घटना के बाद रानीगंज थाने में लिखित रूप से सुमन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सुमन को गिरफ्तार कर लिया और मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।